Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome or welcome back to my channel. So in today's video, we are going to discuss about how to pass in physics. So there's so many of the students who haven't prepared yet for physics and they want ki hum sirf pass ho jayen ya fir thode bahut achhe marks hamare aa jayen. They're not aiming 90 plus or 95 plus. So what all things you need to follow, what all things you need to do, we are going to discuss in our today's video. So sabse pehle you have to see ki hamare kya kya important chapters hain and wo important chapters kya kya hain. Dekho, the electrostatic portion usse bahut zyada tumhare derivations पूछे जाते हैं, also the numerical portion. Even if you go through the PYQs, you'll get to know that this is very very important. And current electricity वाले portion से अगर हम देखें, तो Kirchhoff law से कोई ना कोई numerical आता है या उससे related question कि Kirchhoff law होते क्या हैं. Then we have AC, so alternating current में भी हमारा जैसे transformer हो गया, AC generator हो गया, उससे related questions जो हमारे 5 marks के हैं, उसमें बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. Then we have the ray and wave optics, तो ये तो बहुत बहुत ज़्यादा important है. And the semiconductor devices. तो पहले semiconductor devices में बहुत ज़्यादा portion था, बट नाउ इट हैज बीन डिलीटेड, तो उतना ज्यादा तुम्हारा पोर्शन नहीं पूछा जाएगा. उसके साथ साथ यार वन शॉट सारे ही चैप्टर्स के करना, लाइक ये तो मैंने तुम्हें बता दिया कि जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, बट इसके साथ साथ जो भी वन शॉट्स हैं हर एक चैप्टर के तुम्हें देखने हैं. ऑलरेडी जो फर्स्ट बुक है उसके सारे वन शॉट्स मैं अपलोड कर चुकी हूँ. बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं सेकंड बुक के वो हम स्टार्ट कर देंगे. अन अकेडमी पे ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दिए हैं. मैं क्लासेस की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, तुम वो भी ज्वाइन कर सकते हो. एंड यूट्यूब पे भी जल्दी जो भी वन शॉट वीडियोज है वो मैं अपलोड कर दूंगी. देन वी हैव ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है, पार्ट वन एंड पार्ट टू दोनों ही मैं जल्द अपलोड कर दूंगी. पार्ट वन हैज ऑलरेडी बीन अपलोडेड, पार्ट टू तुम लोग को जल्द ही मिल जाएगा. सो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मार्क कर लेना, वो तुम लोग को डेफिनेटली करने हैं. देन उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग इज इंपॉर्टेंट. अब कई लोग ये पूछ रहे हैं कि हमें पास होना है तो क्या हमें एनसीईआरटी फॉलो करनी है या फिर नहीं. सो इफ यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स एंड यू वांट टू पास, सो देयर इज नो नीड टू डू द क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी. ऑल यू हैव टू डू इज जो भी डेरिवेशन है वो तुम लोग को हर एक चैप्टर के करने हैं और वो वन शॉट से तुम्हारा इजिली कंप्लीट हो जाएगा. उसके अलावा नोट्स रिविजन करना, नोट्स भी ऑलरेडी मैंने सारे ही प्रोवाइड कर रखे हैं. सारी प्लेलिस्ट की लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस दिन हमें कहां से करने हैं, पर चैप्टर अगर तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे एक चैप्टर तुमने खत्म कर दिया देन उस चैप्टर के तुम्हें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, सो यू कैन फॉलो द क्वेश्चन बैंक. एंड इसके अलावा या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डेफिनेटली सॉल्व करना, बिकॉज मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड ही है. जो भी चाहे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो, मैंने तुम्हें कहां से बताए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही बताए हैं. सो इसीलिए 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डेफिनेटली सॉल्व करना. नाउ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड रियली लाइक टू टेल यू अबाउट अ ग्रेट ऑफर जो अभी चल रहा है अन अकेडमी पे. सो अन अकेडमी पे अभी चल रहा है हमारा अनलॉक 20, विच मीन्स कोई भी अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन अगर तुम लोग परचेस करते हो तो तुम लोग को मिलेगा डायरेक्ट 20% का डिस्काउंट बाय यूजिंग माय कोड विच इज ANJV10. सो वी बेसिकली हैव टू सब्सक्रिप्शन ऑफ अन अकेडमी, वन इज द प्लस वन, द अदर इज द आइकॉनिक वन. सो प्लस या फिर आइकॉनिक दोनों में से ही कोई सा भी सब्सक्रिप्शन तुम परचेस कर सकते हो. दोनों के ही अपने अपने बेनिफिट्स हैं. जैसे अगर हम प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करें, सो इसमें तुम लोग को डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं एंड इसके साथ साथ जो भी नोट्स PDF होती है वो भी तुम लोग को अवेलेबल हो जाती है. मल्टीपल एजुकेटर्स से तुम लोग पढ़ सकते हो, जो भी हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं अन अकेडमी के सबके बैचेस में तुम लोग एनरोल कर सकते हो एंड उनसे डायरेक्टली पढ़ सकते हो. सो अगर तुम लोग को स्ट्रक्चर्ड स्टडी चाहिए है कि यार हमें बोर्ड्स के लिए अपना अच्छे से प्रिपेयर करना है, हमें स्ट्रक्चर्ड मटेरियल चाहिए है एक ही जगह पे, सो अन अकेडमी इज अ ग्रेट ऑप्शन. सो दीज आर द प्राइसेस दैट हैव बीन मेंशनड. अगर तुम लोग को 24 मंथ्स का परचेस करना है, सो इन दैट केस जो डिस्काउंट होता है वो मैक्सिमम तुम लोग को मिलता है. एंड अगर 18 मंथ्स का करना है या 12 मंथ्स का, सो दीज आर द प्राइसेस दैट हैव बीन मेंशनड. अगर तुम लोग 20% ऑफ वाला ऑफर ले लेते हो बाय यूजिंग माई कोड विच इज ANJV10, सो तुम लोग इतना अमाउंट जो है वो सेव कर लोगे इजिली. एंड इन द सेम वे वी हैव द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एज वेल. सो जितने भी फीचर्स है प्लस के वो तो तुम लोग को मिलते ही हैं, बट आइकॉनिक में तुम लोग को अलग से फीचर्स भी मिलते हैं बिकॉज इसमें तुम्हें 1-to-1 मेंटोरशिप मिलती है. सो इन दोनों सब्सक्रिप्शन में से जो भी तुम्हें लगता है कि यार हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, गो फॉर दैट एंड डेफिनेटली यूज माई कोड विच इज ANJV10. और ये जो ऑफर है 16th of September को ही एंड हो जाएगा. सो उससे पहले पहले ही इस ऑफर को अवेल कर लेना जिसको भी अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन परचेस करना है. एंड उसके बाद डेरिवेशंस, लाइक आई टोल्ड यू कि डेरिवेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो हम एक वीडियो ले लेंगे जिसमें ऑल द डेरिवेशंस ऑफ द चैप्टर वी विल डू इन दैट पर्टिकुलर वीडियो. सो सारी डेरिवेशंस तुम लोग के कंप्लीट हो जाएंगे और जो भी मैं वन शॉट्स कराती हूँ उसमें जितने भी डेरिवेशंस हैं वो कंप्लीट करा देती हूँ. सो डेरिवेशंस के लिए यू डोंट हैव टू वरी. थोड़ा बहुत जो थ्योरी पोर्शन है वो भी तुम लोग को देखना है बिकॉज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आने लगे हैं. सो उस टाइप के क्वेश्चंस अगेन यू विल गेट इन द क्वेश्चन बैंक एंड ऑल्सो द PYQs एंड न्यूमेरिकल्स. अब कई लोग ऐसा कहते हैं वी आर नॉट एबल टू डू द न्यूमेरिकल्स, सो शुड वी जस्ट लीव देम. तो ऐसा नहीं करना है बिकॉज न्यूमेरिकल्स का भी बहुत ज्यादा पोर्शन आने लगा है. एंड न्यूमेरिकल्स तुम लोग बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करो एंड वो बेसिक तुम लोग को क्वेश्चन बैंक में ही मिल जाएंगे. एंड या फिर PYQs. क्वेश्चन बैंक में तुम लोग को इसलिए कह रही हूँ बिकॉज एक चैप्टर जैसे ही तुम्हारा फिनिश होगा उस टाइम पे फ्रेश रहता है, तो इसीलिए हम क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हमें रिवाइज हो जाए
जाएगा. और PYQs तो यार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं. ठीक है, सो न्यूमेरिकल्स बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने हैं और धीरे धीरे करोगे तो तुम लोग को इजिली आ जाएंगे. बहुत ज्यादा जो न्यूमेरिकल्स तुम लोग को डिफिकल्ट लग रहे हैं वो तुम लोग छोड़ सकते हो. अदरवाइज जो बेसिक वाले हैं जैसे 2 मार्क्स के हो गए, 3 मार्क्स के हो गए, सो उस टाइप के तुम लोग डेफिनेटली प्रैक्टिस करना, उतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हैं. सो ये थी हमारी एंटायर स्ट्रेटेजी. आई होप दिस वीडियो हेल्प यू. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू न्यू. एंड आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर.